हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह, पूजा कॉर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में चावल। चावल बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप चावल बनाएं, चावल को पहले अच्छे से ज़रूर साफ़ करें। जो ब्लैक वाले जो कीड़े होते हैं वो तो आपको दिख जाते हैं चलते हुए, लेकिन जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। कभी भी आप जब भी चावल बनाते हैं, चावल साफ़ करते हो, तो एक बार आप ऐसे ऐसे इसको फटक के देखिएगा, आपको यहाँ पे साइड में जो है ना छोटे छोटे बिल्कुल कीड़े दिखेंगे। अगर आप उसको बना देंगे चावल को वैसे ही, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कीड़े तो है नहीं इसमें, चावल तो साफ़ दिख रहा है। हम हमेशा जो है ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल चावल को साफ़ करके ही चावल को बनाइए, क्योंकि जैसा अभी मौसम चल रहा है ऐसे में जो है कीड़े जो है चावल में लग जाते हैं, तो आप जो है इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिए। दूसरी चीज़ ये कि चावल को बनाने से पहले चावल को अच्छे से धो लेना है। दो तीन पानी जो है डालकर, दो तीन बार इसमें पानी डालकर अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इन चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने जो है 1.5 कटोरी चावल का यूज़ किया है। मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है चावल को बना सकते हैं। चावल बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। चावल को क्या करना है, प्रेशर कुकर में आप डाल दीजिए। प्रेशर कुकर में हमने जो है चावल को डाल दिया है। अब क्या करना है, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी जब भी डाले चावल में, चावल के ऊपर जो पानी जो है इतना होना चाहिए। इतना अगर होगा ना, तो आपका चावल जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस बात का जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको पानी उतनी ही डालनी है। मैंने इतनी पानी डाल दी है जिससे कि आप देख सकते हैं मेरी पॉइंट जो है, जो फिंगर की जो पॉइंट है, ये इससे ऊपर होनी चाहिए, बस चावल से इतना ही पानी होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा आप तेल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे चावल जो है ना बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। मैं जो है 1 चम्मच तेल का यूज़ कर रही हूँ। आप जब भी तेल यूज़ करें, वेजिटेबल जो तेल होता है उसका यूज़ करें, या फिर देसी जो घी होता है उसका इस्तेमाल करें। सरसों तेल का जो यूज़ है चावल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरसों तेल का जो कच्चापन होता है वो आपके चावल के अंदर आ जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सरसों तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब क्या करेंगे, इसका हम जो है ढक्कन लगा लेंगे। प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है मैंने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम गैस ऑन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब 1 सीटी लग जाएगी तो हमें क्या करना है, गैस को बिल्कुल ऑफ कर देना है। और जब प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाए तभी आप इसका ढक्कन निकालें। अगर आप पहले निकाल देंगे तो क्या होगा, जो चावल जो होगा कच्चे कच्चे से दिखेंगे, वो अच्छे से पकेंगे भी नहीं और पानी पानी सा हो जाता है। तो आप जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब कुकर में से जो उसका प्रेशर निकल जाए तब भी ढक्कन निकालें। तो चलिए हम इसको सीटी आने तक हम इंतज़ार करते हैं। और एक चीज़, अगर आपको ये मेरी छोटी सी जो रेसिपी है, छोटा सा जो नुस्खा है चावल बनाने का, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए हम वेट करते हैं 1 सीटी आने तक का। 1 सीटी आ गई है, तो हमने जो है गैस को ऑफ कर दिया है। अब जो है प्रेशर कुकर का, जब तक प्रेशर निकल ना जाए तब तक हम इसका वेट करेंगे। मम्मा, प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो निकल गया है। इसको जो है अब हम खोल कर देख लेंगे। ये देखिए हमारे जो चावल हैं कैसे बने हैं, बिल्कुल गीले नहीं बने हैं, बिल्कुल खिले खिले से दिखेंगे आपको। ये देखिए, आपको ये मेरी सिंपल सी चावल की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।